नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे केमिकल की बात करने वाला हूँ जिसका उपयोग खास करके किया जाता है अगर आप आपके डिटर्जेंट प्रोडक्ट में सोडियम परबोरेट, सोडियम पर कार्बोनेट या ऐसे कोई भी ब्लीचिंग एजेंट का उपयोग करते हो, तो उसके लिए आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये केमिकल भी आपको उपयोग में लेना होगा, तब जाके आपका वह ब्लीचिंग एजेंट अच्छे से कार्य करेगा। वैसे तो काम तो करेगा ही, लेकिन अगर उसकी पावर को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो आपको इस केमिकल को भी उपयोग करना होगा। इसका नाम है TAED, टेट्रा एसिटाइल एथिलीन डाइमाइन, टेट्रा एसिटाइल एथिलीन डाइमाइन, इसको शॉर्ट में कहा जाता है TAED। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, इसका खास करके काम होता है जो भी हमने कम पावर वाला जो ब्लीचिंग एजेंट होता है। वैसे तो स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, लेकिन उसको अगर आप प्रोडक्ट में यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट में स्मेल भी सोडियम हाइपोक्लोराइड की आ जाएगी, और साथ ही साथ वह इतना पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है कि वो कपड़ों के रंगों को भी नष्ट कर देगा। तो ऐसा ना हो केवल कपड़ों में लगे हुए दाग को नष्ट किया जाए, रंगों को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए कुछ कम क्षमता वाले ब्लीचिंग एजेंट का उपयोग भी किया जाता है, जिनमें मुख्य होता है सोडियम परकार्बोनेट और सोडियम परबोरेट। अब ऐसे प्रोडक्ट में जो उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको भी अलग करना होता है। आपके प्रोडक्ट में, डिटर्जेंट में, कपड़ों में अगर जर्म्स प्रोटेक्टिंग की मात्रा भी रखनी है साथ ही में, तो सोडियम परबोनेट या सोडियम पर कार्बोनेट में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको अलग करना होगा। उसको अलग करने के लिए TAED का उपयोग किया जाता है। ये प्रोडक्ट में कारगर हो जाता है जब प्रोडक्ट आपका उपयोग में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है कि उसकी जो टेम्परेचर जो होती है वो 45 डिग्री से ज़्यादा हो। यानी कि अगर गर्म पानी में इसका उपयोग हो रहा है या फिर 45 डिग्री तक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वाटर में इसका उपयोग होगा लेकिन थोड़ा कम पावरफुल होगा। अब 45 डिग्री से या 40 डिग्री से कम टेम्परेचर में अगर इसका उपयोग करना है और वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो उसके लिए मैं आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा कौन सा केमिकल आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम TAED का क्या काम है और इसकी थोड़ी प्रोसीजर हम समझ लेते हैं, और उम्मीद करूंगा आपको ये प्रोसीजर अच्छी लगेगी। यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ से स्किप मत कर दीजिएगा, प्रोसीजर अभी आएगी। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो भाई मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको प्रोसीजर सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है, तो आप मुझे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम देख लेंगे इसका मेन काम किस तरीके से है। TAED, टेट्रा एसिटाइल एथिलीन डाइमाइन, कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट का एक महत्वपूर्ण घटक है जो सक्रिय ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंटों का उपयोग करता है। डिटर्जेंट में यह महत्वपूर्ण घटक है। सक्रिय ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंटों में सोडियम परबोरेट, सोडियम पर कार्बोनेट, सोडियम पर फॉस्फेट, सोडियम पर सल्फेट और यूरिया पेरोक्साइड शामिल है। इतने प्रोडक्ट शामिल है सक्रिय ऑक्सीजन एजेंटों में, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंटों में। यह यौगिक धोने के चक्र के दौरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब इन यौगिकों का उपयोग 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान में किया जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाता है। ये जितने भी ब्लीच एजेंट जो मैंने ऊपर बताए, इनमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंटीसेप्टिक है, जम्स को काटने का काम करता है, मारने का काम करता है, जम्स प्रोटेक्टिंग का काम करता है। और इन उत्पादनों में जब TAED का उपयोग होता है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अलग कर देता है, जिससे कि प्रोडक्ट में जम्स प्रोटेक्टिंग की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट का टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से कम है
तो यहाँ पे इसका जो उत्सर्जन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो कम हो जाएगा। TAED और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेरोक्सी एसिटिक एसिड बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। अब पेरोक्सी एसिटिक एसिड क्या होता है ये मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। सॉरी, जो एक अधिक कुशल ब्लीच है। अब यहाँ पे समझ सकते हो पेरोक्सी एसिटिक एसिड एक अच्छा और कुशल ब्लीचिंग एजेंट है जो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले धोने के चक्र की अनुमति देता है। मतलब अगर प्रोडक्ट में 40 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर है तो उसमें यह काम अच्छे से दे देगा। TAED का उपयोग पहली बार 1978 में वाणिज्यिक लॉन्ड्री डिटर्जेंट में किया गया था यूनिलीवर द्वारा। छोड़े मतलब यूनिलीवर कोई कंपनी है उनके द्वारा वाणिज्यिक लॉन्ड्री डिटर्जेंट में इसका उपयोग किया गया था। वर्तमान में TAED का ईडी यूरोपियन लॉन्ड्री डिटर्जेंट में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ब्लीचिंग एक्टिवेटर है और इसकी अनुमानित वार्षिक खपत 75 किलो टन है।